नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ। दोस्तों, ऐसा बोला जाता है कि राजनीति में बहुत अधिक समय तक ना कोई दोस्त होते हैं, ना ही लंबे समय तक कोई दुश्मन होते हैं। दुश्मन कब दोस्त बन जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, और दोस्त कब दुश्मन बन जाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है। विधानसभा मानसून सत्र शुरू है मुंबई में, और उस बीच जो अभी सत्ता में मंत्री है गिरीश महाजन, और इसके पूर्व मंत्री रह चुके राष्ट्रवादी के नेता जितेंद्र आव्वाड, इन दोनों से हमने बातचीत की। और बातचीत में ये दोनों क्या कहते हैं, और बातचीत का जो सेंटर ऑफ कन्वर्सेशन था वो उद्धव ठाकरे था, क्योंकि मुंबई में और जगह जगह पे पोस्टर लगाए गए कि उद्धव ठाकरे आने वाले समय के भावी पंत प्रधान यानी कि प्रधानमंत्री बनेंगे, जिसको लेकर के गिरीश महाजन क्या कहते हैं और जितेंद्र आव्वाड़ क्या कहते हैं वो सुनिए। अरे यार, बस करो। हाँ, बोला जाता है कि उद्धव ठाकरे अभी जो चुनाव होने वाले हैं उसमें सिंपैथी पे चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि उनकी पार्टी टूटी है, तो जनता के लिए, जनता को सिंपैथी बहुत है। इस बेस पे सिंपैथी के ऊपर कोई चुनाव नहीं होता है, काम के ऊपर होता है। 2.5 साल जब उद्धव जी चीफ मिनिस्टर थे, तब मुझे नहीं लगता 4 दिन भी वो मंत्रालय की सीढ़ी चढ़े हैं, और कहते थे मुझे क्या आने की जरूरत, मैं घर में बैठ के सब देख रहा हूँ। ऐसे आदमी के प्रति क्या सहानुभूति होगी? जो घर पे अगर बैठ के देख रहे हैं उनके बारे में आज पोस्टर लगाया गया कि देश के पंत प्रधान बने, इससे बड़ा और जो क्या हो सकता है? इससे बड़ा और जो क्या हो सकता है कि जो आदमी 2.5 साल में जब लोग मरे थे तब घर के बाहर नहीं निकला, आज उसके बोर्ड लगा रहे उसके कार्यकर्ता कि देश का प्रधानमंत्री बनेगा, सर देश को डुबाना है। खुद पार्टी उनकी है भी उनके पास, जो बच्चे कुचे या नहीं निकालेंगे, उन्होंने लोकसभा में चुनाव के लिए उन्होंने सामने आना और 2 MP चुन के बताना। कितने? 2। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, कम भी नहीं कहूँगा, लेकिन 2 MP तक उन्होंने चुन के लाने की हिम्मत रखना ना, उसके बाद में प्रधानमंत्री के सपने देखना। पॉलिटिकली ही आज उनका भविष्य बहुत खराब है। पोस्टर लगे कि देश के पंत प्रधान बनेंगे, जिसपे अभी गिरीश महाजन मंत्री जी जो हैं उनका कहना है कि चैलेंज है कि सिर्फ 2 MP चुन के दिखाए। जब उद्धव ठाकरे के बैनर लगते हैं तो आपको इतना दुख क्यों होता है? कार्यकर्ता हर एक को बड़ा देखना चाहता है अपने नेता को, तुमको क्यों मिर्ची लगती है? उसमें इतना दुख गिरीश महाजन होने को होने का कुछ कारण ही नहीं है। गिरीश महाजन उद्धव ठाकरे को लेकर के काफी तंज कस रहे हैं। ऐसा है, उद्धव ठाकरे को जो मिला है विरासत में मिला है, और उस विरासत तक पहुंचने की ताकत हिम्मत किसी में भी नहीं है। इस बार ऐसा बोला जाता है उद्धव ठाकरे सिंपैथी के बेसिस पे चुनाव जीतेंगे और जनता को उनका आशीर्वाद मिलेगा। देखो, बात ये सही है कि उद्धव ठाकरे चुनाव जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। ठीक है, थैंक यू। हमारे बीच उपस्थित है जितेंद्र आव्वाड़ जी, जिन्होंने बेबाक तरीके से गिरीश महाजन के सवालों का उत्तर दिया है। आप हमारे साथ बने रहे हैं, मुंबई से सीधा वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश भारद्वाज के साथ मैं वीर सिंह, NBC News। अधिक खबर हम फिर आप तक लेकर आते रहेंगे, देखते रहे हमारे साथ, बने रहें। आप देखते रहें आज की खास बात वीर सिंह के साथ, सिर्फ NBC News पे। जय हिंद।